देखिए आज मैं आपको लॉन्ग ब्लाउज और लंबी स्लीव वाला ब्लाउज कटिंग सिखाऊंगी। ये देखो ब्लाउज के नाप से बताऊंगी। ये सिला हुआ जो ब्लाउज है उसको आप उल्टा कर दो, उल्टा करके वापस उसको फोल्ड कर दो अच्छे से। फोल्ड करके पहले कंधे से कमर तक ये लंबाई का नाप लेंगे। ये देखिए इसमें लंबाई आई 14.5, लेकिन मुझे चाहिए 17 इंच की लंबाई का लॉन्ग ब्लाउज बनाना है। तो लेंथ अपन बढ़ा सकते हैं जितना चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ से मैं 17+1 18 इंच की लंबाई लूँगी। इसमें देखो कपड़ा कम से कम 1 मीटर से ज़्यादा हो तो ही कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करना, नहीं तो पेपर पे काट के फिर कपड़े पे एडजस्ट करो। फिर गला और कंधा नापने के लिए जो ये ब्लाउज होता है उस ब्लाउज को अच्छे से इस कपड़े के ऊपर अच्छे से रख दो। और देखो यहाँ पे जिसका जितना गला है इधर एक खाली निशान कर दो गले का। यहाँ से ये पूरा है अपना 6 इंच, 6 में से कंधा देख लो कितना है, ये सिलाई के साथ में लिया हुआ है। कंधा है अपना 3.25 इंच। तो यहाँ से मैं टोटल 6 इंच लाइन खींच दूंगी। 6 इंच में से 3.25 का कंधा गया, बाकी बचा वो गले के लिए ले लेंगे। अभी जो देखो बगल की लंबाई जो कंधे से छाती तक की लंबाई जिसको मैं बोलती हूँ, तो ये जो हाथ की गोलाई है इस हाथ की गोलाई के नीचे एकदम सीधी लाइन खींच दो एक, और यहाँ से यहाँ तक कंधे से लगा के यहाँ तक इसकी लंबाई नाप लो कितनी आई 6 इंच। ये देखो आप इंच टेप को फोल्ड करके भी ऐसे देख सकते हो अच्छे से, नहीं तो लाइन खींच के ऐसा देख लो 6 इंच आया। ये जैसा है ब्लाउज उसी का ही नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैं बगल की लंबाई 6 इंच की सीधी लाइन खींचूंगी। ये देखो अभी छाती का नाप, छाती का नाप लेंगे। देखिए ये जो लास्ट सिलाई है फिटिंग की वहाँ से, और ये जो कमर का नाप है ये पीछे का भाग, इस कमर के सीध में देख लेंगे कितना आ रहा है। ये 9, 9.5 आ रहा है, 9, 9.25। मैं 9.5 इंच लूंगी। ये 38 की छाती का नाप है। ये देखिए पहले 9.5 पे अपन निशान कर देंगे और फिर अपना मार्जिन जितना 1.5-2 इंच रखना है वो मार्जिन के लिए रखेंगे। अभी यहाँ पे देखो ऊपर 1/2 इंच सिलाई का छोड़ देंगे कंधे की सिलाई का, और यहाँ पे 1 इंच की तिरछी लाइन खींच देंगे। ये इसी लाइन के हिसाब से हाथ की गोलाई बनानी है, गोलाई यहाँ तक ही आनी चाहिए। ये तो 2 इंच मार्जिन का रह गया। अभी यहाँ से और जो निशान किया था ऊपर 1/2 इंच छोड़ के वहाँ तक अपने हाथ की गोलाई ब्लाउज में जितनी है उतनी इधर भी आनी चाहिए। ये देखिए पहले ब्लाउज में नाप लेंगे, ये 8 इंच है इनकी, इतनी 8 इंच होनी चाहिए इसी के बीच में। ये देखो 8 इंच आ गई। अगर अभी कम आती तो थोड़ा और डीप लेते अंदर से, यहाँ से 1 इंच के बदले में 1/4 इंच रखते, और अगर अपनी ज़्यादा आती 7.5 होती तो मैं और थोड़ा बाहर से लाइन खींचती, गोलाई का शेप बाहर से देती है, 1 इंच के बदले में 1.5 इंच लेती। देखिए ज़रूरी नहीं कि 38 की छाती बोले तो बड़ा ब्लाउज हो तो किसी का हाथ जाड़ा रहता है तो ये गोलाई ज़्यादा आती है, पतला रहता है तो कम आती है। इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि 1 इंच फिक्स रख के गोलाई दे दो, वो नहीं। जो नाप का ब्लाउज है उसमें अच्छे से देख लो यहाँ से यहाँ तक जिसकी जितनी गोलाई है वो यहाँ से यहाँ तक आनी जरूरी है। इसका भी जो छाती का नाप फिटिंग वाला है और जो 1/2 इंच छोड़ के लिए उसी में ही आनी चाहिए। फिर ये छाती, ये पूरा सिलाई के साथ कितना लिया 11.5, तो कमर में लेंगे 11 इंच। इसमें आपका देखो कमर इस ब्लाउज में नापने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ये जो टक्स दिया है टक्स का भी ऐड हो गया, इसके लिए छाती से 1/2 इंच कम ले लेने का वो परफेक्ट आ जाएगा। इसको और इसको मिला देंगे। ये देखो अभी ये पीछे का गला, पीछे का गला नीचे से देखेंगे
लेकिन ये मैंने ब्लाउज को लॉन्ग किया है, यानी 17 की लंबाई रखी है, तो अभी नीचे नहीं देखेंगे। जब ये ब्लाउज इतना ही होता 14.5 इंच का तो देखते, अभी ऊपर से इस गले की कटिंग का देखूंगी। ये है 10.5 इंच ऊपर से छोड़ा हुआ, तो मैं यहाँ से भी ऊपर से 10.5 इंच पे निशान कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 3 इंच की लाइन खींच दी और ऊपर जो था गला छोड़ा था 3.25 इंच कंधा छोड़ के, वहाँ से यहाँ तक इसको बॉक्स जैसा दे देंगे और उसी में ही गुलाई का शेप दे देंगे। ये हो गया अपनी पीछे की कटिंग का ड्रॉ। अभी इसको मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखिए पीछे का कटिंग हो गया है, इसमें ये साइड कट रखेंगे। हाँ, जो फिटिंग करेंगे ना यहाँ से नीचे थोड़ा साइड कट, वो आपको सिलाई करके बताऊंगी तभी पता चलेगा। ये देखिए अभी आगे का बाग कटिंग करेंगे, इसको मैं अच्छे से ये रख दूंगी और सेम हाथ की गोलाई बनाऊंगी। कंधे की ये लाइन इसकी जितनी है सेम है इसकी जितनी। अभी इसको हटा देंगे। अभी जो हाथ की गोलाई है इसके सेंटर में 1/2 इंच का निशान करेंगे और इसको धीरे धीरे गोलाई का शेप देंगे। यहाँ से देखिए जो 2 इंच मार्जिन छोड़ा था उसके बाद में शेप देना शुरू करो और ऊपर जहाँ पे जाए वहाँ तक। अभी ये देखिए आगे गले की लंबाई, किसी को डीप गला चाहिए तो 6.5 इंच ले लो और कम डीप चाहिए, थोड़ा मीडियम चाहिए तो 6 इंच का, तो यहाँ पे मैं 6 इंच लूँगी। 6 इंच की ये फिक्स है, हाँ सबके लिए 6 इंच की सीधी लाइन खींच देंगे। फिर ये 3 इंच की आड़ी लाइन खींचेंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो और अगर चाहती, जो मैंने यहाँ पे 11.5 ली थी टोटल सिलाई के साथ, तो उसमें 12.5 तक आना चाहिए। ये देखो बरोबर 12.5 तक अपनी बैठ रही है, कम ज़्यादा 1/2 इंच कम चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा ये। हाँ, अभी इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे आगे गले की। अभी ये देखिए ये जो ब्लाउज है ये हुक पट्टी की लंबाई देखेंगे, बेल्ट को छोड़ देंगे, खाली इसकी ये जो लेंथ है इसमें कितनी है 5 इंच, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि मैं टक्स वाला बना रही हूँ, ये कटोरी वाला है। ये देखिए सीधा लाइन खींचेंगे 6 इंच का, इसको बोलते हैं हुक पट्टी की लंबाई। अभी ये साइड भाग की लंबाई, तो साइड भाग की लंबाई सिलाई के साथ में इधर जो सिलाई दी हुई है उसके साथ में ही देखेंगे। ये है सिलाई के साथ 7 इंच, बेल्ट को नहीं नापना है तो 7 इंच, ये 1 इंच इसमें भी ऐड करेंगे यानी 8 इंच लेंगे। ये देखिए अभी ये जो कमर था 11 इंच का, ये जो इसको ये जो कमर अपनी 11 इंच थी, ये 11 में भी 1 प्लस करेंगे यानी 12 इंच। ये जो क्रॉस लाइन है वो अपनी 12 इंच आनी चाहिए, ज़्यादा आए तो साइड्स के भाग साइड भाग की लंबाई में घटा दो। इधर नहीं, इधर आगे बढ़ा सकते हो लेकिन अंदर की तरफ लाइन नहीं आएगी, इधर सीधी लाइन आएगी या आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 12 पे मार्क कर दिया है। अभी ये देखिए टक्स अपना 4.5 इंच पे टक्स लूँगी, अगर कोई पतला ब्लाउज कटिंग होती तो 4 इंच पे लेती। 38 की चाती के लिए 4.5। अभी यहाँ जो निशान किया था 4.5 इंच का, उस निशान को मैं थोड़ा हल्का सा नीचे इसके लेवल तक साइड भाग की जो लंबाई है उसके लेवल तक मैं सीधा लाइन खींचूंगी। ये जो मैंने 12 पे लिया था उसको हल्का हल्का ऊपर जाके उसी लाइन पे मिला दिया और यहाँ से हल्का धीरे धीरे क्रॉस लाइन कर दो। ये हो गई अपनी आगे की कटिंग का पार्ट, इसको मैं अभी काट दूँ। ये देखिए आगे के पार्ट की कटिंग हो गई। अभी मैं आपको टक्स का निशान करके बताती हूँ।
जहाँ पे मैंने 4.5 इंच का मार्क किया था वहाँ पे 2.5 इंच का टक्स की लंबाई, पहला टक्स 2.5 इंच का ले लो, इसके ऊपर 1 इंच पे एक निशान कर दो, उसी 1 इंच से 2 इंच हुक पट्टी की तरफ, 2 इंच साइड बार की तरफ और 2 इंच हाथ की गोलाई की तरफ, ये 2-2 इंच का गैप रख दो। हुक पट्टी की तरफ आप पतले हो तो 1.5 इंच भी रख सकते हो, बाकी ये 2 इंच जरूरी है दोनों तरफ, और ऊपर ये 1 इंच का गैप जरूरी है। अभी ये देखो, ये जो साइड भाग की लंबाई है उसके सेंटर तक चलेगा लाइन, ये उसके नीचे भी आएगी तो चलेगी, पर सेंटर से ऊपर लाइन नहीं लेनी है, नहीं तो वो टक्स नहीं बैठेगा सही। थोड़ा सा क्रॉस ले लो, इससे फिटिंग क्या है बहुत अच्छे से बैठती है। ये देखो जो बीच वाला पॉइंट है वो मेन है अभी इधर, और इसका भी हुक पट्टी की लंबाई में भी एकदम सेंटर से हल्की सी नीचे, ये जो लाइन की है निशान किया उसके आगे सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये अपना परफेक्ट नाप। ऐसे दूसरे साइड में भी निशान लगा, ढाई इंच, 2 इंच, 2 इंच, ये देखिए दोनों पार्ट में मैंने निशान लगा दिए, ठीक है। अभी स्लीव काट के बताऊं, ये देखिए अभी मैं आपको पहले बेल्ट बता देती हूँ, जो ये साइड भाग का लंबाई थी आगे और पीछे का, इसको देखो आगे वाले भाग को पहले थोड़ा इधर रख दो और इधर एक निशान कर दो, अभी इसको हटा देंगे ताकि क्या बेल्ट परफेक्ट आए आपका। अभी ये लेंथ कितनी है नीचे जो बची हुई, 3.5 इंच, उस 3.5 इंच में 1.5 प्लस करना, यानी 5 इंच बेल्ट की लंबाई आएगी। ये 1.5 इंच क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टक्स का निशान आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा वापस, इधर जो आधा आधा इंच का टक्स लेंगे, ये देखो आधा इंच का टक्स आएगा और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच ये और आधा इंच ये, इन दोनों को ऐड करेंगे बेल्ट के लिए, तो बेल्ट क्या बराबर आएगा। तो कमर 11 इंच की कमर थी, पहले 11 पे मैं निशान कर दूंगी, ये देखिए 11 इंच, ये अपनी, ये देखिए बेल्ट को 5 इंच ये ले लेंगे और इधर थोड़ा आधा इंच ज्यादा ले लेंगे हल्का सा तिरछे के लिए, और उसको हल्की हल्की ये देखिए अपना बेल्ट, ये पार्ट जो ज्यादा वाला है ये आगे की तरफ लगेगा। ये देखिए अभी मैं आपको स्लीव साड़ी के कपड़े में बताऊंगी, आपको अस्तर डालना है तो अस्तर की स्लीव काटो और फिर साड़ी पे रखो, ठीक है। अभी इसको मैंने डबल कर दिया है, कपड़े को डबल करके वापस फोल्ड करेंगे। अभी जो ये कपड़ा फोल्ड करेंगे ये 10 इंच होना चाहिए, अपने हाथ की गोलाई 8 प्लस 2 10 इंच थी तो 10 इंच जितना ही चाहिए ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो। अभी यहाँ से मैं, अभी ये जो नाप था तो इसमें छोटी स्लीव है, ये देखिए, तो आपको मैं लंबी स्लीव डायरेक्ट नाप लेके बताती हूँ। ये देखिए लंबी बाह के लिए मैं डायरेक्ट नाप लेके आपको बताती हूँ, जो हाथ की गोलाई है वहाँ से लंबाई लेंगे और ये कोहनी तक लंबाई रखनी है, यानी 10.5 इंच, जहाँ पे लंबाई आई वहाँ पे ही चौड़ाई ले लो, 11 इंच चौड़ाई और 10.5 की लंबाई। ये आपको मैं अभी ब्लाउज में कटिंग करके बताऊँ। अभी देखो ये जो बंद भाग है कपड़े का, वहाँ से नीचे बॉर्डर ले लेंगे, 10.5 अपना नाप आया था तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 11.5 लेके, ये देखो यहाँ से मैंने जिधर 11.5 है वहाँ पे 2.5 इंच का एक निशान कर दो गोलाई बनाने के लिए, ये जरूरी है 2.5 इंच का निशान करना ताकि आपके शेप बरोबर आए। इसी 2.5 इंच के निशान से 8 इंच तो अपनी गोलाई परफेक्ट आई थी, और ये 2 इंच जो मार्जिन रखा था 1.5 या 2 इंच जो भी वो ले लो, इधर ये लाइन खींच लो। अभी यहाँ से यहाँ तक शेप देना है, हल्का सा एस टाइप का बना के शेप दे देंगे, ये देखो
अभी बाहे की चौड़ाई जो नीचे ये चारों भाग खुले हैं यहाँ पे मैं चौड़ाई करना पड़ूंगी। 11 का आधा 5.5 और इधर भी 1.5-2 इंच जो मार्जिन मैंने 2 इंच सब जगह रखा है तो मैं 2 इंच ही रखूंगी और इसको क्रॉस लाइन दे दो, इसको मिला दो। ये हो गए इतनी स्लीव का सेप। ये देखो मैंने स्लीव काट ली, सेंटर में एक हल्का सा कट लगा दो और देखो इधर जो 2 इंच मार्जिन किया था वहाँ पे कट लगा देंगे। अभी इसके दो पार्ट उठाओ, दो पार्ट लेके ये जो कट लगाया था उसके ऊपर दोनों को रख दो, आगे इतना ये 2 इंच मार्जिन का, नीचे वाले दो भाग को छोड़ दो। अभी जो ये कपड़ा बाहर निकला है उसको मैं कटिंग कर दूंगी तो ये आगे का शेप बन जाएगा। ये पीछे हो गया आधा इंच और ये आगे, ये जो मैंने आधा इंच अभी एक्स्ट्रा काटा है वो आगे की तरफ ही जुड़ेगा। ये अपनी हो गई स्लीव की कटिंग। अभी देखिए ये जो कपड़ा बचा है साड़ी का, इसको मैं जो अस्तर का ब्लाउज कटिंग की थी उसमें सेट करके बताती हूँ। ये बंद भाग की तरफ गले का शेप होना जरूरी है। अभी जो आगे का पार्ट है ये सीध में कपड़ा रखना जरूरी है। ये है थोड़ा तिरछा भी रहा, अगर अपना कपड़ा सेट हो रहा है तो ठीक है, सीधा नहीं सेट हो रहा है तो उसको थोड़ा तिरछा भी ले सकते हो, इसको तिरछा रख के भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बाहें और उसको सीधा ही रखना है, पीछे के भाग को ये तिरछा नहीं आएगा। ये अपना सब पार्ट कट गए, ये देखिए सब पार्ट कट गए। मैं स्टिचिंग का वीडियो भेजूंगी आगे, आपको मेरा वीडियो पूरा देखना रहेगा तो ही आपको समझ में आएगा। और आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।